जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में फिर बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना। कुलगांव में दो मजदूरों की हत्या। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोली। मृतक का नाम राजा और जोगिंदर। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हत्याओं की जिम्मेदारी। बयान जारी करके प्रवासी मजदूरों से कहा घाटी छोड़ो। कश्मीर में टारगेट किलिंग का मजदूरों में दिखा खौफ। प्रवासी मजदूरों में बढ़ा पलायन। घर वापसी के लिए तमाम लोग पहुंचे जम्मू। घर वापसी का साधन नहीं मिलने से परेशान दिखे मजदूर। भूखे बच्चे प्यासे बिलख रहे परिजन। सुपौल में पलायन करते दिखे दूसरे राज्यों से आए कामगार। बारिश के बीच सामान उठाकर पैदल निकले। कश्मीर से सहारनपुर लाया गया सगीर का शव। आतंकियों ने की थी हत्या। सगीर कश्मीर में कारपेंटर का काम करते थे। हत्या से उनकी चार बच्चियों समेत पांच बच्चे हुए अनाथ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कुलगांव में आतंकी हमले पर नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। पीड़ित परिवार को हर तरह की मदद का दिया भरोसा। कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर बिहार में सियासत। तेजस्वी ने नीतीश को लिखा खुला खत। लिखा आप रोजगार नहीं दे पाए इसलिए हो रहा है पलायन। शनिवार को भी आतंकियों ने की थी दो गैर स्थानीय की हत्या। एक यूपी और एक बिहार का था रहने वाला। बीते दिन हुई आम नागरिकों की हत्या पर बोले फारूक अब्दुल्ला इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट। आईबी के काउंटर टेरर इंचार्ज तपन डेका फिर पहुंचे श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अगर संबंध सही नहीं हो तो इस पर किया जाना चाहिए विचार। कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर बस्ते बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू कहा पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए कोई रिश्ता। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर। लंबे अरसे बाद दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। टी20 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज। कश्मीर में आतंकी वारदात को बढ़ावा देने के खिलाफ पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की दी दलील। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपना मजदूर बेटा गंवाने वाले बिहार के देवेंद्र शाह का झलका दर्द। पाकिस्तान से टी20 मैच का किया विरोध। कहा खेल से जिंदगी ज्यादा जरूरी। तो रोक देना चाहिए। ऐसा ऐसा, ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा तो मरिए जाएगा। पंजाब में चलनी सरकार के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह ने भी टी20 में पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की मांग की। ओवैसी ने भी बढ़ती आतंकी वारदात के बीच भारत पाकिस्तान के मैच पर जताया एतराज। पाकिस्तान से होने वाला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द करने की मांग। क्या ऐसे माहौल में ये जेब देता है कि वो आगे बढ़े? इस तरह की जो आप सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका। पुंछ में जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। असम में हाई अलर्ट घोषित। कुछ जगहों पर आतंकी हमले की चेतावनी। केंद्रीय एजेंसियों ने दी खबर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रच रही है असम को दहलाने की साजिश। अलर्ट में किया गया जिक्र। निशाने पर हो सकते हैं RSS के नेता सैन्य प्रतिष्ठान और भीड़ भरी जगहें। घाटी में खून खराबे पर सख्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज टॉप IB अफसरों की बड़ी बैठक। IB अफसरों की मीटिंग में कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या पर रहेगा फोकस। सीमा पार आतंक पर भी होगी बात। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़ और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कुमिल्ला इलाके में जुटे प्रदर्शनकारी। 14 अक्टूबर को बांग्लादेश ने नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हुआ था हमला। 200 से ज्यादा कट्टरपंथियों ने मंदिर पर बोला था धावा। बांग्लादेश में भड़के धार्मिक उन्माद में कुल 4 लोगों की हुई थी मौत। करीब 60 लोग हुए घायल। सुरक्षा बल ने हिंसा के 43 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस्कॉन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र संघ से की गुहार।
बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा, हिंसा बाहरी लोगों का है हाथ, आपसी भाईचारा खत्म करने की हो रही है कोशिश। कृषि कानून और यूपी के लखीमपुर कांड के खिलाफ किसानों ने आज शुरू की रेल रोको मुहिम, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत देश में कई जगहों पर हो रहा है प्रदर्शन। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापसी और लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। जो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, कृषि कानून और लखीमपुर कांड को लेकर जमकर की नारेबाजी। अमृतसर में भी रेल रोको मिशन से जुड़े किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। भदोई में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने निकले किसानों को पुलिस ने रोका। रेल रोको मुहिम को लेकर योगी सरकार सख्त, पुलिस की ओर से रासुका लगाने की चेतावनी। रेल रोको आंदोलन में शामिल होने वालों की होगी पहचान, बाद में होगा सख्त एक्शन। लखीमपुर हिंसा मामले में आज से शुरू होगी लोगों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई। किसानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से लेकर कई स्थानीय लोगों को पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया। यूपी विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र, किसान मोर्चे के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम दिखे बेहद सख्त। अम्बाला में रेलवे ट्रैक पर जुटे प्रदर्शनकारी, दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक किया जाम। पलवल में भी किसानों ने किया प्रदर्शन, लखीमपुर कांड और कृषि कानून के खिलाफ बुलंद की आवाज। यूपी के मोदीनगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन। देवरिया में खिलौने वाले हथियार से लूट की कोशिश के दौरान ग्रामीणों ने एक आरोपी को दबोचा, पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, दो आरोपी फरार। दौसा में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 वाहनों की टक्कर में एक शख्स की मौत, कुछ लोग घायल। क्रिकेटर यजवेंद्र चहल पर टिप्पणी को लेकर घिरे युवराज सिंह, हरियाणा में गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। सोशल मीडिया में यजवेंद्र चहल पर की गई युवराज की टिप्पणी को माना जा रहा है जातिगत, SC ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। युवराज पर आरोप, लॉकडाउन के वक्त इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत में यजवेंद्र चहल के लिए आपत्तिजनक शब्द का किया था इस्तेमाल। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के 3 साथी हुए फरार, पुलिस तलाश में जुटी। सूरत के कडोदरा में एक पैकेजिंग यूनिट में लगी भीषण आग, 2 मजदूर की गई जान, 15 घायल। फैक्ट्री में आग लगने पर फंसे एक मजदूर ने 5वीं मंजिल से लगा दी थी छलांग, गंभीर चोट आने से हुई मौत। आग में फंसे 125 मजदूरों को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू, आग पर काबू पाने की कोशिश में कई दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल। दिल्ली के गांधीनगर में भी आग का तांडव, कपड़े की एक शॉप के गोदाम में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। बेसमेंट में बने गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी, सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां। दिल्ली समेत NCR में आज भी हुई बारिश, कल और आज की बारिश से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव का संकट, लगा लंबा जाम। राजधानी दिल्ली में IGI एयरपोर्ट इलाके से आई हैरान करने वाली तस्वीर, अंडरपास बना तालाब, डूब गई पूरी कार। IGI एयरपोर्ट पर बने अंडरपास की मौजूदा तस्वीर से उठे सवाल, गनीमत रही ड्राइवर गाड़ी से निकलने में रहा कामयाब, हो सकता था बड़ा हादसा। रिंग रोड पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त, पंजाबी बाग से धौला कुआं जाने वाली सड़क पर जलभराव का संकट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़क पर दिखा जलभराव, मथुरा रोड पर पानी रुकने से बड़ी मुसीबत। राजस्थान में स्ट्रीट शूटर के एनकाउंटर मामले में थानेदार निलंबित, भड़के पुलिस वालों ने सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम। पुलिस वालों ने लिखा, स्ट्रीट शूटर के परिवार को नौकरी, जान की बाजी लगाने वालों पर एक्शन, ये कहां की परंपरा है। राजस्थान में परीक्षाओं में नकल पर सख्ती, अध्यादेश लेकर आएगी गहलोत सरकार। नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में होगी 7 साल तक की सजा, गैर जमानती होगा अपराध। मुंगेर में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा, लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर उठाए नीतीश सरकार पर सवाल। नोएडा में महिला पुलिस थाने में भी जलभराव, कई सड़कों पर जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली समेत NCR में कल तक बना रहेगा मौसम का बारिशाना मिजाज। राजस्थान के 12 में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, घरों दुकानों में घुसा पानी, खेतों में भी जलभराव का संकट। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश की आफत, देर रात से जारी है जोरदार बारिश, बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को एहतियात के तौर पर रोका गया। चमोली में बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई, ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही सफेदी, मौसम के बदले मिजाज से लुढ़का पारा।
उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी 13 जिलों में चेतावनी जारी, कई जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फबारी, तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड, राज्य सरकार ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में फ्लैश फ्लड, बड़े इलाके में मची तबाही। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, सोलन, चैल, कसौली, शिमला में जमकर बारिश, सोलन में दिन में छाया अंधेरा। उत्तराखंड के अलावा दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की खबर, लोगों को सावधान रहने की दी गई हिदायत। बद्रीनाथ में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। टिहरी में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से बड़ा संकट, ऋषिकेश में रोके गए चारधाम यात्रा पर जा रहे यात्री। टिहरी में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी समेत कई विभागों में की छुट्टी, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 10 घंटे की बारिश से बड़ी मुसीबत, ओरछा समेत कई इलाकों में बिजली संकट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी, बिछी सफेद। केरल में भारी बारिश से मची तबाही, पुलों के बहने से संपर्क कटा, 26 की मौत, कई लापता। केरल में भारी बारिश से सबसे ज्यादा कोडम और इडुकी प्रभावित, प्रशासन का अलर्ट। केरल के सीएम ने लोगों से की अपील, बारिश में बढ़ते एहतियात, बनाए गए 105 राहत शिविर। प्रधानमंत्री मोदी के केरल के सीएम के साथ बातचीत, भारी बारिश और लैंडस्लाइड पर हुई चर्चा। केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, गृहमंत्री अमित शाह बोले हालात की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से हुए जलभराव में बर्बाद हुई किसानों की फसल, सरकार से मुआवजे की मांग। खरगोन में भी बारिश से बर्बाद फसल का किसानों ने मांगा मुआवजा, मुआवजा नहीं मिलने पर मतदान के बहिष्कार और 25 अक्टूबर से बड़े आंदोलन की धमकी। भोपाल में प्रेमी जोड़े से कुछ लोगों ने की बदसलूकी, की हिंदू लड़की के बुर्का पहनने पर जताया एतराज, जबरन उतरवाया नकाब, वीडियो वायरल। हिंदू लड़की का जबरन बुर्का उतरवाकर भी नहीं भरा कट्टरपंथियों का दिल, चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की, पुलिस ने वायरल वीडियो पर 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। तेलंगाना के जनगांव में हाईवे पर यात्री बस में लगी आग, बस स्टाफ और यात्रियों ने कूद कर बचाई जान, जलकर खाक हुई पूरी बस। प्रयागराज में बीएसपी ने आयोजित किया सम्मेलन, राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ बोले अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पटना में आरजेडी के नेता सलीम परवेज जेडीयू में शामिल, ललन सिंह ने जेडीयू में करवाया शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी ने की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात, विवाद के मुद्दे सुलझाने की कोशिश। बस्तर में निपटा मशहूर दशहरा महोत्सव, आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। मुरादाबाद में नशे के कारोबार में पार्षद समेत 6 गिरफ्तार, स्मैक और नकदी बरामद।